हाय गाइड सो वेलकम बैक टू द कॉन्स्टेंट गाइड दिस इज विजय मिश्रा योर होस्ट और कैसे हैं आप सभी लोग देखिए आप लोग के मन में ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके बारे में रहता है फॉरेन पोस्टिंग को लेके ऑब्वियसली ये बहुत ही कि आप किसी अगर ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो वहाँ पे फॉरन के क्या एस्पेक्ट हैं वहाँ पे जाके क्या प्रमोशन क्या पर्कस होते हैं सैलरी वगैरह तो ये दिमाग में रहता है ना ठीक है so, तो थो थोड़ा उस पर बात करते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या होता है ऑब्वियसली सबको जाने को नहीं मिलता है क्योंकि बैंक की तरफ अगर देखा जाए तो बैंक की तरफ से हर साल 50 से 60 लोग ही जाते हैं अगर आप देखा जाए तो तो इसका मतलब सबको चांस नहीं मिलता है किनको चांस मिलता है क्या एलिजिबिलिटी होती है क्या प्रोसीजर होता है सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको पहली बार तो दिमाग में एक प्रैक्टिकल पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि फ़ॉरन पोस्टिंग का मतलब इट इंक्लूड्स अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश टू ठीक है जैसे आई में होता है या फिर किसी भी गवर्नमेंट बॉडी में होता है वैसे बैंक में भी होता है क्योंकि एस बी आई के ब्रांचेस या फिर और भी किसी बैंक के ब्रांचेस जहाँ जहाँ पे हैं लाइक फॉरन पोस्टिंग वो, वो कहीं भी होता है पहली बात तो ये दूसरा इसके लिए प्रोसीजर क्या होता है प्रोसीजर के लिए इसमें क्या होता है कि फॉरन पोस्टिंग में दो तरह के एग्ज़ाम होते हैं एक आपका जीबो होता है एक सीबो होता है और उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होता है एक रिटर्न एग्ज़ाम होता है जीबो सीबो इंटरव्यू होता है ठीक है कौन एलिजिबल होता है सर जब आप बैंक में जाते हो पहली बात तो बैंक में जाते जब पहली बात तो आप बैंक के एक कन्फर्म एम्प्लॉयड होने चाहिए एम्प्लॉय होने चाहिए दूसरा आप ऑफिसर लेवल पे एम्प्लॉय होने चाहिए इसका मतलब ये है कि सर क्या क्लैरिकल वाले नहीं बन सकते तो जो वो क्लैरिकल वाले जिन्होंने ज्वाइन किया है और उन्होंने उसके बाद अगर जल्दी से प्रमोशन लेके ऑफिसर बन गए हैं तो फिर वो एलिजिबल हो सकते हैं तो मतलब आपको ऑफिसर रैंक पर होना कंपलसरी है तीसरा कंडीशन इसका ये है कि आपको एटलीस्ट दो साल का रूरल असाइनमेंट मैंडेटरी है इसके लिए सब आपको क्या होता है सर वो रूरल असाइनमेंट का मतलब ये होता है देखो रूरल असाइनमेंट बैंक में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये दो चीज में काम में आती है अगर आपको फर्दर प्रमोशन चाहिए होते हैं तो भी रूरल असाइनमेंट मैंडेटरी होता है उसके लिए तो उसी तरह से जीवो एग्जाम आपको अटेम्प्ट करने के लिए आप उस पेपर के लिए एलिजिबल हो पाओ आपको दो साल का रूरल असाइनमेंट करना पड़ेगा मतलब दो साल आपको गाँव में सर्व करना पड़ेगा ठीक है चलो वो तो हो जाता है अब अब सर इसमें होता क्या है देखिए जब आप आपने सारी एलिजिबिलिटी पूरी कर ली आप ऑफिसर रैंक पे हो अच्छा कुछ बैंक्स में ये भी होता है कि कुछ मिनिमम इयर्स ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड होती है जैसे एसबीआई का तो उतना कुछ फिक्स नहीं है लेकिन शायद तीन साल है कि तीन साल आपने सर्विस किया हो दो साल का रूरल असाइनमेंट हो पच्चीस साल आपकी एज हो गई हो ठीक है तो उसके बाद आप अटैम्प कर सकते हो अब जो जीबो का पेपर होता है उसमें सर आता क्या है देखिए जीबो का जो पेपर होता है उसमें आपका जो आप बैंकिंग सीखते हो ना क्रेडिट्स आ, ट्रेजरी फॉरेक्स के बारे में जो सीखोगे या फिर रिटेल बैंकिंग का थोड़ा सा एक्सपोजर कम रहता है और जो रिमेनिंग क्रेडिट्स वगैरह होते हैं मतलब लोन्स वगैरह एस एम लोन्स और ये सारी चीज़ें आप इनके बारे में पढ़े रहोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि इसमें होता यह है कि जो बाहर रिक्रूटमेंट होते हैं वो जनरली मैनेजर या उससे ऊपर लेवल के होते हैं क्योंकि क्लैरिकल लेवल पे तो ऑब्वियसली वो वहाँ के लोकल ही रिक्रूट करेंगे ठीक है तो ये चीज़ का भी होता है दूसरा आप कहोगे सर जीबो सीबो होता क्या क्या है देखिए जी जीबो जो आपका होता है वो होता है जूनियर इंडिया बेस्ड ऑफिसर ये एग्ज़ाम उनके लिए होता है जो कि लोअर लेवल पे ऑफ़िसर्स होते हैं लाइक स्केल वन ऑफिसर जैसे मैं भी हूँ स्केल टू ऑफिसर जो डिप्टी मैनेजर होते हैं और स्केल थ्री ऑफिसर जैसे ब्रांच मैनेजर होते हैं और जो अपर अथॉरिटीज़ होती हैं लाइक सी एम ए जी एम जी एम इन लोग को अगर जाना है तो इन लोग को सीबो अटेम्प्ट करना है अटेम्प्ट करना होता है ठीक है पहली बात दूसरी बात अगर आप जीबो पे ऐसा काम करके आए हो तो आपको सीबो थोड़ा सा बनने में और हेल्प होती है अब देखिए जो आपका ये ये जो पूरा एग्जाम का पैटर्न है ये कुछ ऐसा होता है कि जो आपका पेपर है वो हो गया उसमें जो मैंने बताया जो आप पढ़े लिखे वो सारी चीज़ें आती हैं आपने पाँच साल काम किया है ना अगर आपने इसको से सीखा है तो आपका रिटर्न तो क्लियर हो जाएगा उसके बाद मेन आता है मीन्स सॉरी उसके बाद मेन आता है आपका इंटरव्यू इंटरव्यू जो होता है वो बहुत ही शानदार होता है क्योंकि इंटरव्यू पहली बात तो जो पैनल होते हैं वो डीजीएम और जीएम लेवल के लोग होते हैं सो ऑब्वियसली इट्स गोनाट बी इंटरेस्टिंग दूसरा कि जो आपका इंटरव्यू होता है वो मोर ऑफ अ पर्सनालिटी टाइप होता है नॉलेज वो आपकी जीबो के एग्ज़ाम के थ्रू तो चेक कर लेते हैं पर्सनालिटी में बेसिकली वो ये देखते हैं कि आपका कंडक्ट कैसा है टूअर्ड्स कस्टमर्स वो आ, वो क्या करते हैं वो चेक कर लेते हैं आपके पिछली रिपोर्ट से कि पिछला आपने जो काम किया है वहाँ के ब्रांच मैनेजर से वो पता कर लेते हैं कि वो आपका कंडक्ट कैसा था दूसरा आपकी पर्सनालिटी कैसी है आप सूट करते हो कि नहीं करते हो जो रिक्वायर्ड है आ, तीसरा चूँकि आप इस कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे हो तो ऑब्वियसली इस कंट्री का नाम लेके जाओगे ना कि इंडिया का ऑफिसर आया है तो ऑब्वियसली आपकी पर्सनैलिटी थोड़ा सा ग्रूमिंग और अच्छी और ग्रूम्ड हो और एकदम अच्छी हो तो वो ज़्यादा मैटर करती है आ, तीसरा ये इसमें होता है कि आपका एल होता है लैंग्वेज प्रोफेशन टेस्ट जिस भी आप कंट्री में जा रहे हो अच्छा कंट्री का डिसाइडन भी डिसाइड भी इसी इंटरव्यू के बाद उसे टाइम होता है कि जैसे मान लो कि जब सब लोग निकलते हैं तो सबसे प्रेफरेंस फॉर्म भरवाया जाता है ना कि सबको क्या क्या चाहिए जहाँ जहाँ पे अपने ब्रांचेस हैं तो ऑब्वियसली लोग क्या भरेंगे वही न्यूयॉर्क ऑस्ट्रेलिया में सिडनी कैनबेरा और इटली न्यूजीलैंड सब लोग एक टॉप प्रायरिटी भरते हैं लेकिन मिलेगा उनको ही जिनका स्कोर अच्छा होगा जिनकी पर्सनलिटी ज़्यादा अच्छी होगी जिनका एल में नंबर वगैरह ज़्यादा अच्छे आएंगे तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं ठीक है ठेके? सो so, उसके बाद फाइनल जब आपका इंटरव्यू में रिजल्ट आ जाता है तो फिर आपको तीन साल के लिए असाइनमेंट पे भेजा जाता है फॉरेन में ठीक है अब मान लो कि आप इटली चले गए मान लो आप इटली में आपका तीन साल का असाइनमेंट जो है चल रहा है अब उसमें भी दो चीज़ होती है आपका ड्यूरिंग असाइनमेंट भी परफॉर्मेंस ट्रैक किया जाता है बहुत ही पुअर परफॉर्म कर रहे हो तो हो सकता हो आपको दो वापस बुला लिया जाए और अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो ऐसा भी होता है कि आपको आगे के लिए भी सजेशन मिल जाते हैं आपको हो सकता हो वहीं आगे कुछ प्रमोशन वगैरह दे दिया जाए या फिर जब आप मान लो अगर यहाँ आते भी हो तो अच्छी चीज़ ये हो होती है कि जब आप बाहर से होके आते हो तो आप पे एक थोड़ा सा टैग लग जाता है फॉरेन पोस्टिंग का जो कि कहीं ना कहीं आपके आगे प्रमोशंस में थोड़ा सा आपको बेनिफिट करता है देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ बैंक में दो चीज़ें हैं अगर आपने ट्रेजरी में काम किया है ट्रेजरी जैसे एस बी की ट्रेजरी है वो इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेजरी है ठीक है गवर्नमेंट का पूरा खाता और सब कुछ एस संभालता है तो अगर आपने इसके ट्रेजरी के कॉर्पोरेट सेंटर लाइक मुंबई और दिल्ली में काम कर लिया एक अच्छा टैग लग जाता है कि हाँ ये एक सुपीरियर और रिफ्लेक्टिंग अच्छा पर्सनालिटी है उसी तरह से अगर आप जब फॉरेन पोस्टिंग करके आते हो तो आपका एक टैग अच्छा बन जाता है कि हाँ बंदे को नॉलेज है बंदे की पर्सनलिटीज अच्छी है ऑब्वियसली और फिर बाद में जब वो वो सीबो के लिए अप्लाई अगर करेगा तो उसमें उसके चांसेस सेलेक्शन के ज़्यादा रहते हैं ठीक है दूसरा इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि पर्स एंड सैलरी का कुछ इस एग्जैक्ट स्ट्रक्चर तो कहीं मैंशन नहीं है कि मैं आपको बता पाऊँ लेकिन इतना है कि अलाउंसेज बहुत अच्छे होते हैं आपको जाने का आने का रहने का इवन वहाँ पे रहने की गाड़ी वहाँ से मतलब आपके घर से बैंक तक के जाने की गाड़ी कार वार सब मिलती है तो ऑब्वियसली इट्स वेरी मतलब शाइनिंग और बहुत ही अच्छा रहता है ठीक है दूसरा इसमें एक चीज़ आपको और हो सकता है जैसे मान लो कि कई लोग पूछेंगे कि सर हम क्या वहाँ परमानेंटली स्टे कर सकते हैं क्या सो so, इसमें भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जब मैंने आपको बताया कि आपका तीन साल का असाइनमेंट चल रहा होता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मान लो कि आपके कोई स्पाउस है आपने वहाँ के किसी लोकल से शादी कर ली लाइक आपके जो स्पाउस हैं अगर वो उस कंट्री के हुए तो थोड़ा सा वहाँ पर चीज़ें कंसिडर की जा सकती हैं कि ठीक है चलो आप वहीं पर रहो आपको पी मिल गया वीज़ा मिल गया जो भी है तो आप वहाँ पर रह सकते हो ठीक है ग्लेम्स so, ऑफ uh, कैसे फॉरन पोस्टिंग होती है और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है ठीक है आई होप मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया होगा और ये एस का है और मैक्सिमम जो बैंक्स हैं लाइक जो बड़े बैंक्स हैं लाइक पीएनबी बैंक ऑफ इंडिया उन सब में भी लगभग यही प्रोसीजर होता है ठीक है तो ये आप ध्यान रखना ठीक है चलो आई होप मैं सब कुछ क्लियर कर दिया होगा मिलते हैं न तो, तो तक के लिए बाय बाय हैव अ ग्रेट डे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना चलो बाय